और मम्मी पापा उन सबको लेके आऊँगा। लेजेंडर वहीं खड़ी रहेगी अपनी, जो हमारा स्टे है वहाँ पहुँचाने में मुझे 3 दिन लग गए। न्यू ईयर कैसी मनाई आप? अकेले चले गए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। मे गॉड ब्लेस यू गाइज एंड ये न्यू ईयर आप लोग के लिए बहुत अच्छी एक अच्छी स्टार्ट हो। एंड मैं प्रे करता हूँ कि सब भाई बढ़िया रहे, खुश रहे एंड ग्रो करते रहें। इसी के साथ यहाँ पे ये तो भाई साहब अब यहीं रहेंगे। मैं भाई यहाँ से लोकल 2 टैक्सी नितिन भाई ने अपने घर की अरेंज कराई हैं, उनसे जाऊँगा नीचे अटल टनल को क्रॉस करके और मम्मी पापा उन सबको लेके आऊँगा। लेजेंडर वहीं खड़ी रहेगी अपनी, क्योंकि वो 4x2 है तो वो वहीं पार्किंग में, कहीं पार्किंग भी देखनी पड़ेगी यार। थोड़ा सा ना क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है ये, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है एंड स्नोफॉल होने के बाद से ना थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, बट ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक बार वो यहाँ आ जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे नितिन भाई की तरफ से यार बड़ी हेल्प मिली है अपने को। बहुत ज़्यादा नहीं होते ना तो मैं मैनेज नहीं कर पाता। आई थिंक हम सोलन से ही वापस चले जाते और इतना कुछ हो नहीं पाता। तो अभी निशु भाई आ रहे हैं, उनके छोटे भाई हैं जो गाड़ी लेके आ रहे हैं, उनकी लोकल गाड़ी। मैं चाहता तो अपनी गाड़ी भी ले जा सकता था अभी, पर कोई भरोसा नहीं है मैं उनको लेके आऊँ वापसी में फिर से रोक ले कि नहीं बाहर वाली गाड़ी को नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं दोनों लोकल कार्स ले जा रहा हूँ। वो लोग 6 लोग हैं तो एक में आएंगे भी नहीं, और ये भाई साहब इतने यहाँ बैठे रहेंगे। यहाँ पे अपने को होटल में पानी भी है, गर्म पानी भी है, हीटर भी है, सब कुछ मिल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो ये वॉशरूम भी है, तो पूरा क्लीन वॉशरूम है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जैसे ही अभी गाड़ी आती है नीचे हम चलते हैं अटल टनल क्रॉस करके और वहाँ पे सॉर्ट आउट करा के घर वालों का भी यहाँ नए साल पे यहाँ ले आते हैं। क्योंकि ये जो व्यू है ना, मैं देखो तुम्हें बालकनी से दिखाता हूँ, ये मैं धरती के हर एक इंसान को जो मेरी वीडियो देख रहा होगा उसको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मज़ा है ना, ये देखो पूरा व्यू। नीचे अपनी एंडेवर खड़ी है वहाँ पे, एंड ये व्यू वहाँ सोलंग वैली में नहीं मिलता। सोलंग वैली जो है ना थोड़ी कंजस्टेड सी है, मतलब आपको ऊपर देखोगे तो पेड़ से आधा तो व्यू ढका ही रह जाता है। इसलिए हम यहाँ पे हैं, बस अभी ऊपर से गाड़ी आ जाए एक बार फिर चलते हैं। मैं इतने हीटर के आगे गर्म हो लेते हैं, बिकॉज रात को भाई टेम्परेचर तो -19 चला गया था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसको हमें 3 वो ओढ़े थे, 3 कंबल ओढ़े थे ऊपर और एक नीचे बिछाया था, जब जाके हमारी ठंड रुकी थी। यहाँ तो मैनेज हो जाएगा खैर। इसीलिए मैं, और अच्छा मैंने अपनी गाड़ी भी नहीं लिया ना, क्या पता बाहर की गाड़ी फिर से दिक्कत करें, ये तो मैं सोच रहा था। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं भाई, अपने घर जाएंगे अब वापस, है ना। हैप्पी न्यू ईयर आपको। घर नहीं जाएगा, मैं कुल्लू जाऊंगा अभी। अच्छा कुल्लू रुकोगे आप? अच्छा निशु भाई को भी ऑन कैमरा हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो हमने कर लिया सब कुछ। हाँ जी हाँ जी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और आपको सारा व्यू एंजॉय कराते हुए और सारी कंडीशन दिखाते हुए चलते हैं। तो भाई सिसु से लेके हम सोलंग चेक पोस्ट तक बड़े आराम से आए, लेकिन उसके बाद जो सोलंग वैली का ट्रैफिक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आगे तक है और ये हमारे को टोटल जाना है चेक पोस्ट से सिर्फ 2.7 किलोमीटर नीचे, लेकिन ये हमारे को 42-43 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है फॉर ओनली 2.7 किलोमीटर्स। हम ऐसे रेंगते जा रहे हैं नीचे। अब देखो कितनी देर में पहुँचेंगे, फिर उनको ऊपर लाएंगे तो फिर ये ट्रैफिक थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। एक बार टनल क्रॉस हो जाना, वही मैं भाइयों को बता रहा था, ज़िंदगी की पहली ऐसी एडवेंचरस ट्रिप है मेरी, जिसमें मेरे को मेरी पूरी फैमिली को ऊपर जहाँ हमें रहना है, जहाँ हमारा स्टे है वहाँ पहुँचाने में मुझे 3 दिन लग गए। 29 से लेके 30, 31 और 1 तारीख हो गया आज जाके कहीं शाम को मैं उन्हें पहुँचा पाऊँगा। फिर मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन का स्टे एक्सटेंड कराता हूँ वहाँ, ताकि वो इन्जॉय करें अच्छे से 1-2 दिन। तब तक यहाँ पे ट्रैफिक भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा ना, अभी न्यू ईयर का टाइम है, हर किसी को बर्फ़ देखना है। देखो भाई तुम लोग, हम ऊपर रहेंगे आराम से। भाई आ चुके हैं यहाँ पे और अब यहाँ से ऊपर निकलेंगे। न्यू ईयर कैसी मनाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऊपर मनाइयो, मजा आया, मजा आया। अब ऊपर ठंड में मनाइयो, देखियो न्यू ईयर देखियो ऊपर ठंड में। हाँ चलो भाई साहब, अब इसमें बैठते हैं और अब 3 घंटे 4 घंटे का सफर तय करते हैं। टनल की इस तरफ लिया ही नहीं, इन्हें ठंड नहीं लग रही पता नहीं क्यों, क्या तो इनने सर्दी वाली दवाई ले रखी पापा ने, वही हो सकता है। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त ठंड लग रही है, नज़ारे तो नज़ारे हैं पर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सारे रेडी हो चुके हैं, उसमें तो सारे बड़े बुजुर्ग बैठा दिए हमने फिर से, और इस गाड़ी में हम सारे बालक। अब हम चलेंगे आगे टूवर्ड्स नितिन भाई के पास, घर वालों को मिलवा देते हैं उधर, है ना। और वहाँ पे पापा के लिए स्पेशल चिकन भी बनवाया मैंने भाई से कह के, सो आप लोग देखना कैसा बनेगा सारे। अब जो शाम को पार्टी चलेगी ना, जो कल नहीं कर पाए वो पार्टियाँ अब होएंगी, तो वो देखना। भाई एकदम से रुक गए थे हम पीछे। ये थार है एक भाइयों की, नहीं ना वॉल इनकी, वो एकदम से ब्रेक लेने की वजह से गाड़ी लग गई और वॉल ख़राब हो गई। तो पाना ट्राई किया क्योंकि आफ्टर मार्केट अलॉयज़र नट का ना वो चेंज हो जाता है, बट किसी तरीके से हेल्प हो नहीं पाई। सो लास्ट डिसीजन अब उनका यही है कि उसको वैसे ही चलाना पड़ेगा थार को, और फिर कल तक जाके कुछ सोल्यूशन होगा। But I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed. हो गई खराब। भाई बोले मैं धक्का मार के ऊपर ले जाऊंगा, पर भाई धक्का ही लग रहा। I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing can be like. Just a been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, turning to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano, and make me feel outrageous. You. ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है। फिर करो हाँ करो सारे करो। ऐ शाबाश। ये सारे भगत अब अपना भोजन प्राप्त करेगी शुरू। ये तीनों भगत जी है। अब की बार फिर बोलो एक बार। ले लो क्या फील है। तोबा तेरा दिल भाई बाई भी नहीं है तोबा। हां सब तिरकी पता नहीं हो गया होता है। उधर बनाया सब्जी बनाया है भाई। उधर पापड़ तो अपनी देसी दारू के साथ अंकल के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक ये देखो पहलवान ये सो गया। रोटी खानी है तो भी लगता है सर रात के 12:00 बज रहे हैं, अभी 8:30 बज रहे हैं। ऐसे डिनर विनर करके हम और एंजॉय करके सीधा होटल जाएंगे, बट इतना ज़्यादा बीच में एंजॉयमेंट हमको ध्यान नहीं रखना। न से दूर गुरुजी बड़ा उपदेश देंगे, फिर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हुए देखो अपनी रूट मार लौटा के क्या होगा। ये लौट ले आएंगे चावल आप पीते हो बहुत पीता हूँ, 2 चावड़ियाँ डालो। बंद कर देना चाहते हो बोलना चाहता हूँ डालो, नहीं पियेंगे आज के बाद। बढ़ना पड़ेगा, माहौल बढ़ना पड़ेगा। गुरु जी की थोड़ी डाटी बढ़वा देंगे, ठीक है ना। सफेद तो आएगी वो गंदम भी होगा। आओ ठाकुर कि चले गए आदमी थे 15-16 थे, अकेले कैसे चले गए, मजबूरी थी जी। बापू ने बोला था सो रहे हो जतिन जी आप? पक्की बात है? पक्की बात। और रजाई चाहिए? ठंड की वजह से बाढ़ के ऊपर सो रहे हैं और इस लॉक को कर देते हैं यहीं बैंड की। गुड नाइट।